सुबह का नाश्ता हो या फिर टिफिन में कुछ खास बनाना जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी और कम तेल में बन भी जाए, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये हरे चने का बहुत बहुत टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता। इसे आप बनाकर सुबह या शाम के नाश्ते में भी दे सकते हैं, जो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है और बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी भी हो जाता है। तो इस नाश्ते को बनाना कैसे, चलिए शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया ये छिलके वाले हरे चने। तो सबसे पहले तो हम इन चने को छिलके से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, तो मैंने सभी चने के छिलके को हटा दिया है। इसके बाद हम एक बाउल में 1.5 कटोरी बेसन डालेंगे और साथ ही इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। पानी में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि बैटर को हम बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बना सकें। तो अगर आपने पानी एक साथ डाल दिया तो शायद बैटर आपका गीला भी हो सकता है, इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। और ये देखिए, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बेसन का बैटर चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो हमने जो हरे चने को छील कर रखे थे ना, उसे हम अच्छे से धोकर इसमें डाल देंगे और साथ ही 1 कप मीडियम साइज में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्च साथ में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इन सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तब नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चावल का आटा और साथ ही 1 चम्मच ऑयल भी ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 10 मिनट बाद एक बार फिर से हम इस बैटर को मिलाएंगे। इसके बाद हम एक पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे चारों तरफ अच्छे से फैलाकर गर्म कर लेंगे। अब हमने जो बैटर बनाया था ना, उसे एक साथ पैन में डाल देंगे। अगर आपके बैटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसे 2 बार में बनाइएगा। अब बैटर को हम पैन में बराबर से चारों तरफ फैला देंगे और अब लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक कवर करके इसे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम एक प्लेट की सहायता से नाश्ते को पलट देंगे और पैन में एक बार फिर से ऑयल को चारों तरफ लगाकर नाश्ते को इसमें रख देंगे और अब इस साइड में 2 से 3 मिनट तक बिना कवर किए पका लेंगे। तो अब इसे हम पलट देते हैं और ये देखिए, नाश्ता हमारा इस साइड भी अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसे 4 पीसेस में कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे जल्दी से गरम गरम सर्व भी करते हैं। तो बस ये लीजिए, मिनटों में तैयार है हमारा टेस्टी हेल्दी चटपटा हरे चने का नाश्ता। आप इसे नाश्ते को एक बार बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। गारंटी है ये चने का नाश्ता आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी जरा ही पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर और मेरे चैनल फूड विद रीता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।